अगर आप लोग भी मेरी तरह चीप स्केटर हैं यानी कि बहुत ही कफायतशार इंसान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि छः सौ में हज़ार रुपये में एक ब्रांडेड चीज़ तो बिल्कुल नहीं आती ले। जी उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे वेलकम बैक टू तो अनदर अमेजिंग वीडियो मैं हूँ फरवा आपकी बजट फ्रेंडली बेस्ट क्योंकि मैं आपको अपनी वीडियोस में हूँ की एक हजार की चीज को आप पांच सौ में किस तरह बना सकते हो तो हुई ना मैं आपकी बजट फ्रेंडली बेस्ट इससे पहले कि मैं कहीं और निकल जाऊ आपको बताती हूँ की बहुत ही मज़े की होने वाली है बहुत ही मसालेदार होने वाली है क्यों क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने सेल आर्टिकल्स जो मैंने ऑनलाइन ब्रांड्स जो हैं उनसे खरीदे हैं उनसे ऑनलाइन बाय किए हैं सबसे मजे की बात यह है कि यार बींग बींगी और बजट फ्रेंडली बेस्ट मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि आप लोग सस्ती चीजें किस तरह ले सकते हो क्योंकि मैंने आपको बताया ना छः सौ रुपये में छः सौ रुपये में कुछ आता भी है नहीं आता ना तो मैंने ब्रांड का छः सौ रुपये का लिया है तो मैं आपको चाह रही हूँ बताऊं इसके अलावा जो मैंने ड्रेसेस लिए हैं उनके डिजाइनिंग इतनी मजे की है ना तो मेरा मुझे रहा नहीं गया मैंने कहा नहीं आपको मैं वो डिज़ाइन जरूर दिखाती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ ये भी दिखा रही हूँ वो भी दिखा रही हूँ कि बता रही मेरे पास क्या है ऐसा अगर होता तो मैं आपको सेल की चीजें ही क्यों दिखाती ना ओके okay, स्टार्ट करते हैं सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं कि मैंने एक ही ब्रांड से दो बार ऑर्डर किया क्योंकि मेरी ना लालच ख़त्म नहीं हो रही थी पहले मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर दिखाती हूँ अपना जो कि है आइडिया गुल अहमद का यार बहुत रिजनेबल आर्टिकल्स मिल रहे थे मैं आपको दिखाती हूँ तो मैं दिखाऊँगी ये कुर्ता ये यार फ्रेट है मतलब ये मुझे ऐसे स्टिच ही मिला था और यार ये इंतहा मज़े का है यू कैन सी this वन मुझे बहुत अच्छा लगा था पिंक कलर का कुर्ता था फ्लैट चेक करें आप uh, प्रिंटेड कुर्ता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत रीजनेबल मैं आपको uh, सबकी प्राइजिस जो है ना साथ साथ मेंशन भी करती जाऊंगी तो यार आप बिलीव करें ये जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो है कहाँ गया कहाँ गया इसकी ओरिजिनल प्राइस है टू थाउजेंड सिक्स सेवन हंड्रेड और मुझे ये मिला था मुझे ये मिला था गैस कहने कितने का मिला होगा मुझे ये मिला था सेवनटीन हंड्रेड का यू कैन सीट मजे क्या है ना आप बस इसका प्रिंट चेक करिए कितना है तो आप बस मेरे साथ ट्यून रहिएगा ताकि मैं जो हूँ ना आपको ये ड्रेसेस पहन के भी दिखाऊँ ये इसके साथ इन्होंने कॉलर लगाई हुई है और सिंपली इसके बाजू हैं अच्छा जो आप प्रट लेते हो ना किसी भी ब्रांड का उसकी स्टिचिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है ऐसी स्टिचिंग जो है ना आप किसी दर्जी वगैरह से कराओ तो किसी टेलर से कराओ तो ऐसी स्टिचिंग नहीं होती जो इन ऑनलाइन ब्रांड्स की होती है तो मुझे इनकी स्टिचिंग जो है ना बड़ी अच्छी लगती है और गला इसका जो है ना इन्होंने सिंपल बनाया हुआ ये देखिए और ये थोड़े से बीड्स लगाए हुए हैं ये ये देखें आपको नजर आ रहे हैं आई होप कि आपको नजर आ रहे हो ये देखें ठीक हो गया एक कुर्ता जो है मैंने वायर में से मंगवाया है ये देखें ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया ये भी फ्रैट है और ये भी बड़ा मजे का है इसकी मुझे प्राइस रिमेम्बर नहीं है देख कर बताती हूं मैं आपको ये है इसका डिजाइन बहुत मजे का था मैं आपको डिजाइन दिखा दूँ पहले ये है जी पहले तो आप इसका प्रिंट चेक करें कितना मजे का प्रिंट हुआ है बहुत मजे का प्रिंट हुआ हुआ है अब हम देखते हैं इसके गले की बात करता है इसके गले में सिंपल बैल लगी हुई है ठीक है और ये इन्होंने कुछ टसल्स कुछ टसल्स नहीं है कुछ इन्होंने लगाया हुआ है गले पे ये ये लगाए हुए हैं और ये लगाए हुए हैं और बाजू इनके सिंपल है यहाँ पे आकर ना इन्होंने बनाया हुआ कफ कफ लगाया हुआ इन्होंने और हल्का सा ना हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी ना इन्होंने चूट्स डाली हुई हैं इधर देखे ठीक हो गया और साइड पे जो है ना साइड पे ये चेक करें इन्होंने बहुत मज़े की अच्छा मेरे पास पिक्चर हुई ना मैं ज़रूर शेयर करूँगी जो मॉडल ने पहनी हुई है ये इन्होंने साइड पे जो है ना ये किया हुआ है और ये बड़ा मज़े का लग रहा है क्योंकि साइडों में मस्टर्ड येलो कलर है और बीच में पर्पल कलर है और बड़ा मज़े का कंट्रास्ट है आई लाइक इट तो ये सारा यहाँ तक आ रहा है यहाँ तक ठीक हो गया और ये है जी इसकी डिज़ाइनिंग ठीक हो गया ना ये इसका कुर्ता था ये देखे ये देखे और साइड्स पे इन्होंने एक्स्ट्रा जो है ना कपड़ा लगाया हुआ है पर्पल कलर का तो ये यार बड़ा पहना हुआ अच्छा लग रहा था और एक और काम किया हुआ है इन्होंने वो किया हुआ है इन्होंने के यहाँ पर ना यहाँ पर एक प्लेट डाला हुआ है इस तरह करके और आपको मैंने बताया था जिस तरह के जितने भी ब्रांडेड कुर्ते होते हैं वो बिल्कुल लूज़ होते हैं बहुत ही लूज़ फिटेड होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं तो आप भी कोशिश क्या करें अगर घर में भी कपड़े बना रहे हैं ना तो वो ऐसे स्ट्रेट कुर्ते हैं फिटेड ना हो ठीक है तो अच्छी लुक उन्हीं से आती है अब इनके प्राइस की बात करते हैं प्राइस की बात कहाँ से करनी है प्राइज़ नहीं लिखी हुई प्राइस नहीं लिखी हुई मुझे याद भी नहीं है मुझे लग रहा है ये भी एटीन हंड्रेड का था आई थिंक एटीन हंड्रेड का था ये वाला तो यार ये बहुत मजे है आई लव दिस आर्टिकल इसकी बैग भी बड़े मजे की है ये देखें बैग भी बहुत मजे की है इन शॉर्ट ये प्रिंट जो है बहुत मजे के है खाती हूँ ये तो चेक दिस आउट कलर चेक करें आप बस इसका कितना मजे का है डिफरेंट सा कलर है मेरा डिफरेंट कलर्स पहनने का बहुत दिल करता है मतलब जहाँ पे कोई डिफरेंट कलर होगा ना मैंने वहीं ना रुक जाना है मैंने कहा नहीं ये मैंने ज़रूर लेना तो बस ये सिंपल सी शर्ट है इसका एक तो स्टफ़ बहुत मज़े का विंटर स्टफ़ है तो और बिल्कुल सिंपल सी है यहाँ पे कुछ बीड्स लगे हुए हैं और नीचे भी कुछ बीड्स लगे हुए हैं तो ओवरऑल मैंने ये रेडीमेड थी प्रेट था और आपको पता है स्टिच जो होते हैं ब्रांडेड स्टिच कितने मज़े की होती हैं स्टिचिंग तो मैंने कहा नहीं इस पर कंप्रोमाइज नहीं करना ये तो डन है भाई तो अब आप देखें ये शॉर्ट शर्ट मैंने मंगवाई है दिस इज़ क्वाइट मज़े की यार कितने मज़े की है मेरा दिल नहीं मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं इसको अभी पहन लूँ तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी आपको मैं दिखाती हूँ इससे पहले आपको बता दूँ कि मेरे जितने भी ड्रेसेस होते हैं वो होते हैं स्मॉल साइज़ के होते हैं ठीक है तो क्योंकि मैं खुद भी स्मॉल हूँ इतना कोई हाइटेड बच्चा नहीं हूँ आई एम शॉर्ट हाइटेड तो अब आपको दिखाती हूँ इसकी डिज़ाइनिंग सबसे पहले गले से बात करते हैं इसकी ये है जिसके हल्का सा बैन लगी हुई है अच्छा आई एम ट्राइंग कि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए ये टैग तो पीछे हटाओ यार चलो ये ये इसका गला है गले में जो बीड्स लगे हैं ना बड़े प्यारे लग रहे हैं आप देखें इस तरह की इसकी बीड्स हैं और इतनी लंबी सी इसकी पट्टी लगी हुई है और दोबारा जो है ना यहाँ पर बीड्स लगे हुए हैं इतनी डिसेंट इतनी एलिगेंट लुक आ रही है इसको मैं कैरी करूँगी फ्लैप पर जो है ना किसी वाइट या ब्लैक के साथ मुझे लग रहा है ये वाइट फ्लैपर के साथ ज़्यादा उठेगा कि कलर आप चेक करें बस मैं कह रही हूँ कलर चेक करें और ये इसके बाजू हैं बाजू बड़े मज़े के बने हुए हैं क्यूट से अच्छे से बने हुए हैं और ये इसकी शर्ट है बिल्कुल प्लेन शर्ट है और 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 स्टफ जो है इसका विंटर है फ्रंट इसकी देखिए इस तरह की है लेकिन बैक जो है ना बैक में ये डिजाइन बना हुआ है बैक में ये डिजाइन बना हुआ है आपको मैं दिखा देती हूँ उसकी बैक बड़े मजे की बनी हुई है ये देखिए, इसके यहाँ पे एक यहाँ पे भी कुछ स्टाइल बना हुआ है ये देखे आई एम ट्राइंग आपको अच्छे से नजर आ जाए बस अच्छा अब बात करते हैं इसकी प्राइस के ऊपर इसकी जो प्राइस है ना आप बिलीव नहीं करेंगे इसकी पहले बता दूँ कि इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है इसकी ओरिजिनल प्राइस है थ्री थाउजेंड नहीं 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 थ्री थाउजेंड नहीं है टू थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी तो मुझे ये मिला है थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी सम कुछ का तो यार कैन यू बिलीव दिस कि इतनी प्यारी शर्ट आपको बनी बनाई स्टिच प्रैट आपको तेरह सौ का मिल रहा है तो यार दिस इज अमेजिंग यार yeah. तो ये मैंने गुलहमा से लिया है आप जाकर देख सकते हैं मैंने भी देखा था तो इसके आर्टिकल्स पड़े हुए हैं अभी स्मॉल साइज में पड़ा हुआ है आई थिंक तो यू कैन बाय दिस अगर आपको पसंद आया और अब बात करते हैं एक और आउटफिट की इसी के साथ मैंने ऑर्डर किया था वो है जी कैमिड का स्टाच आउट ये बहुत मज़े का है कलर भी बहुत मजे के है ये है जिस शॉर्ट आप कहें एक टॉप कह दें ये है जिसकी अः क्या कहते हैं डिजाइनिंग मुझे मजे की चीज इसमें पता क्या लगी, लगी। है इसकी डिजाइनिंग लगी है बहुत मजे की इसकी डिजाइनिंग हुई है ये इसके बाजू में आप चेक करें अच्छा मैं कोशिश कर रही हूं आपको नजर आ जाए ये प्लेट्स डले हुए हैं लाइंस के साथ ये देखें आ रहे नजर आपको और ये इसके लगा हुआ हल्का सा बटन इसको तो पीछे करो ये लगा हुआ हल्का सा बटन और ये मतलब बहुत बहुत बहुत, बहुत प्यार ड्रेस है ये देखें नीचे से इन्होंने क्या किया हुआ ये शर्ट बनाई हुई है ये इन्होंने आप फ्रॉक बनाई हुई है ये देखें ये नीचे से फ्रॉक है अच्छा मैं आपको साथ पिक्चर अटैच कर दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि जो है ना ये किस तरह के डिज़ाइन है किस तरह का है और ये भी मुझे जो इसके प्राइस है इसके प्राइस क्या है एक मिनट इसकी ओरिजिनल प्राइस है ये है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का है तो ये भी मुझे ना थर्टीन हंड्रेड का मिल गया था तो यार ये चेक करें आपको और क्या चाहिए यार सेल्स आपके लिए लगती हैं आप जाके ख़रीदा करें चीज़ें सेल्स से तो वैसे मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस बचा नहीं हूँ जो भी चीज़ होती है फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज वेंडर्स से अच्छी लग रही है लोकल मार्केट से अच्छी लग रही है तो मैं वहां से खरीद लेती हूँ कोई ब्रांड से अच्छी लग रही है तो मैं वहां से खरीद लेती हूँ तो ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ होना भी नहीं चाहिए ठीक है ना तो ये बड़ा मजे क्या है अच्छा कुछ लोग कहते हैं सेल से नहीं हमें लेना तो भाई क्यों सेल से क्यों नहीं लेना वही चीज़ आपको ऑन सीजन में आपको पाँच साल की मिलती है और आप जब ऑफ सीजन वो सेल कर रहे होते हैं अपना क्लियर कर रहे होते हैं सारा स्टोर तो वो आपको थोड़ा सस्ते में दे रहे होते हैं तो आप कहते हैं नहीं हम लोगों ने नहीं लेना तो यार वैसे डिपेंड्स ऑन यू कि आप, आप लोग चाहो तो ले सकते हो आप लोग नहीं चाहो तो नहीं ले सकते आप लोग ये चेक करें कितने मज़े की ये आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो ये देखें ये हल्की सी मज़े की लेस लगी हुई है ये प्रिंटेड इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है और ये डार्क ब्लू और प्रिंटेड सा कपड़ा है और 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 ये इसकी जो बैग है ये है जिसकी बैक नज़र आ रहा है हाँ आ रहा है तो ये नीचे आप देखें ये जो है ना यहाँ पर ये प्लेट्स लगी सॉरी चुंटे लगी हुई हैं सारी की सारी नीचे से फ्रॉक बनी हुई है तो बड़े मज़े की है तो आई विल ट्राई दिस फॉर श्योर एक ड्रेस जो है ना अनस्टिच मैंने मामा के लिए लिया है मैंने कहा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ऑनलाइन का ये भी फ़ायदा होता है कि आप ना एक अगर आप मेरी तरह बहुत ही चूजी हो क्योंकि मैं बहुत टाइम लगाती हूँ कोई भी चीज़ ख़रीदने में मतलब मैं ना हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ दो चीज़ों के दरम्यान कि ये भी ये लूँ कि वो बोलूँ ये लूँ वो बोलूँ तो मेरे लिए तो ऑनलाइन बेस्ट रहता है तो कुछ लोग कहते हैं ऑनलाइन नहीं लेते हम लोग कि वो फ्रॉड होता है स्कैम होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता आप बस शॉपिंग करने से पहले ऑर्डर करने से पहले जो है ना Uh, क्या कहते हैं उसको कंफर्म कर लिया करें कि आया ये जो पेज ये वेबसाइट है ये क्या ऑथेंटिक है क्या ये रियल है क्या मतलब ये तो नहीं है कि फेक पेज रही है तो हमेशा ऐसे क्या करें कि कभी भी स्कैम या फ्रॉड नहीं हुआ करेगा अब मैं ओपन करने लगी हूँ जी मामा का ड्रेस जो मैंने मंगवाया ऑनलाइन वो है जी ये दिखाती हूँ ये भी बहुत मजेक है बहुत प्यारा है और ये मैंने अनस्टिच मंगवाया था क्योंकि ये थ्री पीस था दिस वन इज़ द शर्ट हाँ ये शर्ट है यार आप ये प्रिंट चेक करें इतना मज़े का प्रिंट हुआ है आप कितना डिसेंट सा प्रिंट है मैंने कहा मम्मा आप पे बहुत सूट करेगा आपको लेकर देती हूँ मम्मा भी इतना इंटरेस्ट नहीं शो करती ऑनलाइन शॉपिंग में लेकिन जब चीज़ घर में डिलीवर होती है ना फिर मम्मा कैरी होती है हाँ ये बहुत प्यारी है तो यार ये इसके फ्रंट है ये इसकी आई थिंक बैक है तो ये भी इसकी मेरे हमें बाजू होंगे पता नहीं क्या लेकिन ये ओवरऑल इसका ये है बहुत मज़े का ये फ्रंट जो बड़ी मज़े की लगी आप कंट्रास्ट चेक करें मैं कंट्रास्ट को बहुत प्रेफर करती हूँ अपनी ड्रेसिंग के लिए आपने से नियॉन कलर देखा मेरा पैरेट कलर का वो कितना मज़े का था ड्रेस बेशक सिंपल हो लेकिन यार कलर्स जो है ना बहुत मैटर करता है अब ये देखें मेरून ब्लैक वाइट हल्का सा रेड पता नहीं कौन कौन से कलर्स हैं तो इन शॉर्ट बड़ा मज़े का कलर कम्बिनेशन इन्होंने बनाया हुआ है तो यार मैं बता रही हूँ आइडिया से कपड़े तो बड़े मज़े के होते हैं इसकी प्राइस जो थी ना यार इसकी प्राइस नहीं शो हुई इधर जो मैं मज़े की चीज़ जो छः सौ रुपये की लिया है मैंने वो आपको तो दिखाया भूल गई मैं ये तंत्र लेगी कह लिया टाइट्स कह लिए इसको तो यार ये मैंने ज़रूर मंगवानी थी आपको ये लोकल मार्केट से भी मिल जाएंगी हर जगह से मिल जाएंगी लेकिन जो क्वालिटी है वो इसकी इतनी ज़बरदस्त है मतलब आप इसको जितनी बार पहनोगे जितनी मर्जी बार पहनोगे आप लोगों का ना कभी ये यहाँ तो कभी होता है ना वो ड्राई गंदी सी हो जाती है या बुरा आ जाती है ग्रे कलर की हो जाती है तो इस जो है ना इस टाइट्स का कभी ये मसला नहीं होगा और ना ही ये कभी खुली होगी ये है जी जेट ब्लैक कलर की टाइट्स और यह इसकी ओरिजिनल प्राइस थी या इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी इसकी ओरिजिनल प्राइस है ट्वेल्व हंड्रेड और ये मुझे मिली है साढ़े छः सौ रुपये की मिली है यार तो अगर ये अभी भी अवेलेबल है मैंने ये गुल अहमद से लिए तो आइडियाज़ बाय गुल अहमद से लिए तो अगर आपको ये इस तरह मतलब मैं कहती हूँ आप लोकल मार्केट से ले सकते हो लेकिन वो वैरायटी वो जो है ना क्या कहते हैं सो वैरायटी कह रही हूँ वो कंडीशन और वो क्वालिटी नहीं मिलनी जो आपको एक ब्रांड की मिलनी है तो क्योंकि मैंने लेगिंग्स जो होती हैं आपके लिए भी मेरे लिए भी बहुत लॉन्ग टर्म चलती हैं तो मैंने कहा यार अच्छी क्वालिटी की बंदा ले ले क्यों इसको जो है ना मतलब बार बार आप सस्ती सी लो और ये भी बहुत सस्ती है यार तो ये बहुत देर तक के लिए चल जाएगी आप इसको लाजमी लो ये जो टाइट्स होती हैं ये बहुत बेसिक होती हैं हर है लड़की के जो है ना कलेक्शन में ज़रूर होती है तो इसको आप चाहें तो ये ज़रूर लें ये जो है ना बहुत मज़े किया बहुत मज़े किया तो ये थे सब ड्रेसेस के डिज़ाइन और जो मैंने शॉपिंग की है तो यार ये सब कलेक्शन और ये सब शॉपिंग मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है कोई आइडिया पसंद आया कोई डिज़ाइन पसंद आया कोई आपको सेल में से आर्टिकल पसंद आया तो आप फटाफट से जाकर भाग कर जाएँ वेबसाइट से ऑर्डर करें इसके अलावा आउटलेट से जाकर भी ले सकते हैं लेकिन मैं प्रेफ़र करती हूँ अपने लिए कि मैं ऑनलाइन ही बाय करूँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी इन और भी मज़े मजे की वीडियोस टिप्स हैक्स और आइडियाज़ के लिए अगर आप कुछ देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपकी जो बजट फ्रेंडली बेस्ट है वो आपको मज़े मजे के हैक्स डिज़ाइन आइडियाज बताएगी तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी थक के लिए अल्लाह हाफिज मैंने आज बहुत बोल लिया मैं भी थक गई हूँ अल्लाह बाय बाय